नमस्कार, एएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं नंदिता आपके साथ। चुनाव के चलते सियासत उफान पर है और सभी पार्टियां उसमें गोते लगा रही है। विपक्ष काफी समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार उस पर कान तक नहीं धर रही थी। और जातिगत छोड़ो, बीजेपी तो जनगणना करवाने तक की बात नहीं कर रही थी। वहीं अब बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद उन आंकड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर बोलने को मजबूर कर दिया। हालांकि अभी भी पीएम मोदी सीधी बात नहीं बोल रहे हैं, वो गरीब आबादी बोल करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों की आड़ में जातिगत जनगणना को छुपाना चाह रहे थे। लेकिन द ललन टॉप ने तथ्य जांचे और पीएम मोदी का झूठ पकड़ा गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। इसके साथ ही देश में जातिगत जनगणना की मांग भी तेज हो गई। इस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक वाली मांग को लेकर पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन जी तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का पहला हक है, तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ भी धोखा करना चाहती है? उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस कह रही है जिसकी जितनी संख्या है उसे उसी हिसाब से हक मिले, तो इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? कांग्रेस के हिसाब से अब देश के हिंदू अपना हक उसी अनुपात में ले क्या? इस तरह तो देश के संसाधनों पर पहला हक देश के हिंदुओं का है। कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है ताकि उनको बर्बाद किया जा सके। कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाप आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? पीएम मोदी ने आबादी की बात, गरीबों की बात, अल्पसंख्यकों की बात छत्तीसगढ़ में जाकर की। इससे तो यही लग रहा है कि जहां बीजेपी राजस्थान में महिलाओं को विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाने का प्लान बना चुकी है, वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में जातियों और समुदायों को मुख्य मुद्दा बनाने का प्लान बना रही है। तभी तो पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की सभा में केवल गरीब आबादी, अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को तबाह करने की बात बोली।
वीडियो पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप राजनीति से जुड़ी खबरों में रखते हैं दिलचस्पी तो हमारे चैनल को तुरंत करें सब्सक्राइब, क्योंकि ENN भारत दिखाता है राजनीति से जुड़ी सही और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊँगी आपके लिए विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी और ताज़ा खबर। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ENN भारत। नमस्कार।